ठीक है हम जहाँ पर रह रहे हैं वो एक अलग बात है, बट हमें ये समझना चाहिए कि लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लास्ट पॉइंट है एक्चुअली आप स्किप मत करना, क्योंकि ये जो है वो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस लेके मैं यहाँ पर आई हूँ कि शायद मैं वो कभी भूल भी नहीं सकती। अब अच्छे सेंस में या बुरे सेंस के लिए तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं इंडिया से आई हूँ और मुझे शॉकिंगली रिवर्स कल्चरल शॉक देखने मिले। जब हम किसी कंट्री में ज्यादा टाइम रहने लगते हैं तो हम धीरे धीरे वो चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं उस कंट्री के। पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें हम जब जर्मनी शिफ्ट हुए थे तब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपसे, वो भी ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करे थे, और कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करे आपसे और आपको काफी अच्छे लगे। इस वीडियो में भी हम वही बात करेंगे। हो सकता है आप जो है वो रिलेट कर सको अगर आप बाहर रह रहे हो, कि जब आप इंडिया में जाते हो तो आपको कौन से रिवर्स कल्चरल शॉक लगते हैं। प्लस अगर आप इंडिया में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप बाहर किसी अब्रॉड में किसी कंट्री में नहीं रहे हो जैसे जर्मनी जैसी जगह में, तो आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। Although इंडिया जो है वो रिच ऑफ कल्चर है, हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, हम जो रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़ों की, जो हमारे बच्चे जो बड़े हो जाते हैं अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रह के ही, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं फूड इंडिया की, वो तो एक चीज़ है ही है। इसके अलावा जर्मनी में भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे इनकी एफिशिएंसी हो गई, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी कंट्री अच्छी है कौन सी कंट्री बुरी है, बट ऑफकोर्स एज ए इंडियन अगर हम कहीं पर जाते हैं तो हमें ज़रूर देखने मिलती है कुछ डिफरेंट चीज़ जो हमें शॉकिंग लगती है। अब मैं यहाँ पर 5 साल रहने लगी हूँ, तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। बेसिकली अगर आपको मूव करना है यूरोप में या लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं तो ये चैनल आपके लिए। इसी के साथ नमस्ते एंड गुटन टाग। अभी सबसे पहला पॉइंट है वो है लेट बैक एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 सेकेंड 1 मिनट की कितनी इम्पोर्टेंस हो जाती है, एंड विद इन टाइम जो है वो मैंने अडॉप्ट कर लिया है। अब मुझे 1 सेकेंड भी अगर लेट होता है कोई या मैं लेट होती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, और ये मेरे को मतलब 5 साल हो गए, तो धीरे 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 जो है वो मैंने ये चीज़ जो है वो अडॉप्ट करी है। बट जब हम इंडिया में थे तो हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो हमें लगा कि टुवर्ड्स टाइम जो है लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट है, जो हमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा, थोड़ा अडॉप्ट करने में भी मुश्किल लगी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमने अडॉप्ट कर लिया और जब वहाँ गए तो शॉकिंग लगा। तो हो सकता है ये कुछ लोगों को लगे रिलेटेबल ना लगे, कुछ लोगों को बहुत रिलेटेबल लगे। अगर आपको रिलेटेबल लगता है तो कमेंट करो, पर यार इस चीज़ के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने कुछ चीज़ मंगाई थी और कुरियर जो बंदा है उससे बात कर रही थी जो डिलीवरी देने वाला था। अब उससे मैं बोल रही हूँ भाई तू कब आएगा, तो वो बोल रहा है अरे 1 घंटे में आऊँगा। जब मैं 1 घंटे बाद वहाँ पहुँच रही हूँ तो कह रहा है अभी तो मुझे 1 घंटा और लगेगा। तो आई फील दैट कि यार आपको दूसरों की टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं है, और आप एक क्लियर जो डायरेक्शन है एक क्लियर टाइम जो है वो सामने वाले को नहीं बता पा रहे हो, उसकी वजह से सामने वाला जो है अपना पूरा टाइम जो है वो आपके लिए डेडिकेटेडली लाइक, क्योंकि हमने अडॉप्ट कर लिया है यहाँ का एनवायरनमेंट, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी कि यार हम रुके 1 घंटा फिर रुके, हम अपना काम रोक के बैठे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था बट ये बहुत बड़ा शॉकिंग चीज़ थी मेरे इस इंडिया ट्रिप पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जिस जगह पर जिस कंट्री पे पूरे मतलब पूरा बचपन अपने वहाँ निकाला, एजुकेशन वहाँ की, उसके लिए भी आपको शॉकिंग चीज़ लगी, मतलब अगर आपको रिलेटेबल लगे तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप एज NRI जो है इंडिया जाते हो कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली मूव करते हो तो क्या सेम चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको भी होता है या आपको दिमाग में भी आता है, तो प्लीज़ 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 वो ज़रूर कमेंट करना। बट इस वीडियो में और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे बात करूँगी। सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि हर चीज़ जो है वो QR कोड के थ्रू चल रही थी। आपको 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये ट्रांजेक्शन करने थे तो आपको QR कोड बस आपको स्कैन करना था, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे वो दुकान वाले हों, चाहे वो बड़े शोरूम वाले हों। और जर्मनी में ऐसा कुछ जो है वो अभी तक
हुआ ही नहीं है। आज भी यहाँ के लोग जो हैं वो डरते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में या QR कोड के थ्रू ट्रांजेक्शन करने में। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन करने लगे, पर इस लेवल का कि आप 1 रुपये भी जो है वो पेपल के भारत पे के थ्रू कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। और मेरे को एक्चुअली थोड़ा टाइम लग गया कि यार आप हर कुछ ही उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो। उससे एक घाटा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता था और पता भी नहीं चलता था कितना हुआ। और दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छी थी कि आप सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हो, ना आपको कार्ड लेके जाना है, ना आपको और कुछ लेके जाना है, कैश नहीं लेके जाना है। और कहीं पर भी आप बस अपना फ़ोन लेके मुंह उठा के चले जाओ और आपका सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। ये शॉकिंग बहुत ज़्यादा था, बट इंडिया इससे समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो आई लव माई इंडिया इसके लिए। तो अब ये चीज़ में भी इंडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा शॉकिंग लगा मुझे कि कैसे लोग जो हैं वो अपना काम छोड़ छाड़ के आपके लिए अवेलेबल हों, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो अपनी फैमिली हो। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है, और अगर अपने फ्रेंड से भी मिलना है तो एक पूरा जो है वो प्लानिंग होती है और उसके बाद आप मिलते हो। छोटी मोटी जैसे अपन तो इंडियंस हैं तो हम लोग तो मिल लेते हैं चाय वाय पे एकदम, बिल्कुल आपने प्लान बनाया कि यार थोड़ी देर में मिल रहे हैं, लेकिन वो भी जो होता है वो एक प्लानिंग होती है कि भाई हम 1 घंटे में आ रहे हैं और हम चाय पीने आ रहे हैं। और अगर कोई बड़ी पार्टी करनी है तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है। उसके रीजन बहुत सारे हैं, वो आप दूसरे वीडियोज में देख सकते हो हमारे। बट वहाँ पर यार आपके फ्रेंड्स आपके लिए अवेलेबल हैं पूरे टाइम, आपकी फैमिली अपना काम छोड़ छाड़ के आपके लिए बस है, आपको वो जो लोनली वाला फीलिंग है वो वहाँ पर आता ही नहीं है। जबकि यहाँ पर आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो भी आपको वो एट टाइम्स लोनली वाला फील ज़रूर आता है। तो एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, मैं बैंगलोर में थी काफ़ी टाइम, जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कि उन्होंने हमें लोनली फील नहीं होने दिया। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ऑफिस भी करते थे और वो जब जब अवेलेबल होते थे, मतलब जितना भी टाइम मिलता था, 5 मिनट 10 मिनट पूरी रात 1 घंटा 2 घंटा, वो वहाँ पर आ जाते थे बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे अपने फ्रेंड्स को लेकर, और फैमिली का तो बात ही अलग है क्योंकि फैमिली ने तो अपना सारा काम छोड़ दिया था सिर्फ हमारे लिए। थैंक यू इंडिया, थैंक यू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर दिस। बट शॉकिंग था रिवर्स, बट काफ़ी अच्छा शॉकिंग चीज़ थी। आई थिंक इस चीज़ के लिए कोई तोड़ ही नहीं है, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली कि मुझे इतना शॉकिंग लगा कि मैं पहले अडप्ट ही नहीं कर पा रही थी। ब्लिंकिट के थ्रू, स्विगी के थ्रू और भी बहुत सारी ऐसी ऐप के थ्रू आपके घर में 10 मिनट में आपका सामान पहुँच रहा था, आपको जो भी चाहिए। यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कुछ सामान लेने जाने के लिए ग्रॉसरी के अलावा। यहाँ पर भी ऑफकोर्स ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप सामान ऑर्डर कर सकते हो और वो 10-15 मिनट में आ जाता है, पर वो सिर्फ सिटीज़ में। बट इंडिया में तो यार मतलब नेक्स्ट लेवल, 10 मिनट में मतलब इट्स इम्पॉसिबल। मतलब मैं घर भी नहीं पहुँच पाती थी, ट्रैफिक इतना होता था और सामान आपका पहुँच जाता था, जो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर तो फूड का सिस्टम ही डिफरेंट है, आपको इतना अच्छा खाना मिलता भी नहीं है, हर कुछ अवेलेबल भी नहीं होता। ब्लिंकिट ने जो किया है ना, फ्लिंक भी एक ऐप है यहाँ पर ब्लिंकिट ने जो खेल किया है ना, 10 मिनट में आपको डिलीवर करना सारी चीज़ों में, नेक्स्ट लेवल है। इसी के साथ जो मैंने ट्रैफिक सिचुएशन बोली वो भी बहुत शॉकिंग लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आपको ऐसी ट्रैफिक सिचुएशन देखने मिलती है, बट वहाँ पर डेली लाइफ में लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है वो ट्रैफिक चीज़ें। मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था जब भी मैं ट्रैफिक में फंस रही थी, स्पेशली जब हम लोग बैंगलोर में थे, क्योंकि बैंगलोर में एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी ऑफिस आवर, तो वो आप ये सोच लो आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं सकते। और बहुत बार इसी के चलते हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो कैंसिल करे, ठीक है मतलब, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस हो गया था इस चीज़ को लेकर। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आई थिंक चश्मा निकाल के मैं अपने थोड़ा सा फीलिंग्स यहाँ पर शेयर करती हूँ। अब मैं यहाँ पर रहने के बाद फेक थिंग्स, फेक बिहेवियर्स जो है, आई कांट टेक इट एनी मोर। मैं बहुत ज़्यादा एट टाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हूँ अगर मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट टू हियर कोई बार बार वो बोल रहा है, जो एक्चुअली सही नहीं है। क्योंकि इंडिया में ये एक प्यार करने का तरीका है, प्यार जताने का तरीका है। जर्मनी में जर्मन्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हाँ को हाँ और ना को ना बोलते हैं। फिर आप जब यहाँ रहने लगते हो, आप जब ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर बिहेवियर जो है, बिहेवियर चेंज है वो आपके अंदर आ जाता है। वो मेरे अंदर आ चुका है और सेम वहाँ पर भी हो रहा था।
कुछ दिन तो मैंने ऐसा किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. लाइक ठीक है, हम जहाँ पर रह रहे हैं वो एक अलग बात है, बट हमें ये समझना चाहिए कि लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से. बट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई. मैं आपको एग्जाम्पल्स तो नहीं बताऊँगी, देयर आर मैनी सच थिंग्स जो मे बी आपके सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं अगर मैं उस तरीके के एग्जाम्पल्स शेयर करूँगी. बट देयर आर थिंग्स जिससे ऐसा लगता है कि यार ना बोलते तो ही ज़्यादा अच्छा था. वो कौन से वर्ड्स हैं, कौन से स्टेटमेंट्स हैं ना बोलते तो ही अच्छा था, वो कमेंट करो अगर आपको भी ऐसा कुछ सुनने मिलता है. मे बी अपने सीक्रेट अकाउंट से करो. गाइज, नेक्स्ट टाइम आई नीड पार्टनर फॉर दिस, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाया और ना हो पाएगा. ऐसी दो चीज़ें, पहली ये पार्टनर इसके लिए चाहिए कि मेरे से बार्गेनिंग ही नहीं होती है. जबकि मैं पहले ऐसे बार्गेनिंग करती थी, इस लेवल की बार्गेनिंग करती थी कि मेरे फ्रेंड्स मुझे लेके जाते थे कि यार तू चल, तू भयंकर अच्छे रेट्स पे हमें चीज़ें दिला देती है. बट अब मुझसे नहीं होती. अगर मुझसे किसी ने बोला ये 1,000 रुपये का है, तो मैं बोलूँगी ठीक है 800 ले लो, मतलब मैं और ज़्यादा इससे कम नहीं करूँगी. और अगर उसने बोला नहीं मैडम नहीं हो पाएगा, तो मैं उतना दे देती हूँ. एंड ये आई डोंट नो इट्स गुड और बैड, बट मुझे अब नेक्स्ट टाइम दिल्ली में कोई पार्टनर चाहिए. बट कमेंट करो, वी विल बी योर पार्टनर नेक्स्ट विजिट के लिए, अगर आप मेरे पार्टनर बनोगे इसके लिए. बट ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि यार मैं वो चीज़ जो बहुत अच्छे से कर लेती थी, वो आज मैं कर ही नहीं पा रही हूँ. इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, राइट? एंड दूसरी चीज़ वो ये थी जो मुझसे नहीं हो पाएगी, एंड आई डोंट नीड अ पार्टनर ऑल्सो फॉर दैट, मे बी अ हेल्पिंग पार्टनर आई नीड. वो ये है कि मुझसे अब ड्राइविंग नहीं हो पाएगी वहाँ पर. यहाँ पर जर्मनी में एक्स्ट्रा केयर के साथ आप ड्राइविंग करते हो, और आपको लाइसेंस ही तब मिलता है जब आप पूरे रूल्स फॉलो करो. एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आप गाड़ी से बाहर भी निकलते हो, तो आप एक्स्ट्रा केयर से निकलते हो, और अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे स्टेप्स, तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में. ऐसा इंडिया में तो आपको पता है, हो सकता है आपके एक्सीडेंट जो है वो आपकी गलती के कारण नहीं हो, सामने वाली के गलती के कारण हो. और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अटेंटिव रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इतना अटेंटिव होना भी शायद हो सकता है कि वो सामने वाले को प्रॉब्लम कर दे, या हो सकता है उसी चीज़ की वजह से मेरे को जो है वो एक्सीडेंट हो जाए या कुछ तो हो जाए. तो ये चीज़ जो है वो मुझे लगे कि कोई कहीं से भी आ जाता है. और यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगी कि कैसे लोग जो हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है वो स्ट्रीट फूड. ऑफकोर्स ये शॉकिंग नहीं था, पर काफ़ी अच्छी शॉकिंग था कि स्ट्रीट फूड जो है वो अवेलेबल तो था. अवेलेबिलिटी तो शॉकिंग नहीं थी, बट बहुत जल्दी अवेलेबल था. मतलब आप कहीं पर भी जा रहे थे और विद इन सेकेंड्स जो है वो आपको खाना मिलता है. यहाँ पर जो है आप जाओगे, उनको ऑर्डर करोगे, फिर आपको मिलेगा. चीज़ें जो हैं वो स्लो हैं इन जनरल, और मैं तो स्ट्रीट फूड से खाया है, तो आई रियली इन्जॉयड दैट कल्चर. बहुत बाहर का खाना खाया. आपकी कौन कौन सी फेवरेट डिशेज़ हैं स्ट्रीट फूड्स में इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, वो कमेंट करना. मेरा जो है वो मोमोज है. आपके कौन कौन से फेवरेट फूड है वो कमेंट करना. उसके बाद मैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रही हूँ. संडेज़ जो है वो यहाँ पर फंडेज़ नहीं होते. वैसे भी फंडेज़ नहीं होते, पर संडेज़ तो बिल्कुल ही फंडेज़ नहीं होते. प्लस 8 बजे के बाद भी सब बंद हो जाता है. तो मैं जब इंडिया गई, तो पहले दिन तो जैसे ही 10 बजे ना, तो मेरे को लगा कि सब बंद हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने, घर पे बनाना पड़ेगा. एंड दे सेड कि सुरभि, दिस इज़ इंडिया, इंडिया में जो है वो सब चीज़ रात भर मिल जाती है, और अभी तो सब कुछ खुलना चालू हुआ है. ये चीज़ उन्होंने बोली, एंड आई वॉज लाइक रिलैक्स. प्लस संडे को भी सब कुछ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि संडे जो है वो मतलब बंद रहेगा या संडे को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे चीज़. एंड आई रियली इन्जॉयड दैट. वाई आई टोल्ड यू कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, कि मैंने इस बार अब बैग जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा थे वो घुमा दिया था. वो घूम गया था, वो छूट गया था ट्रेन में. मतलब जर्मनी में तो ऐसा होता है कि आप अपना सामान जहाँ छोड़ दो, आपको वहीं पर रखा मिलता है. तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, पर एक्चुअली वो मेरे से छूट गया, और मुझे लगा अब ये नहीं मिलेगा, जो मेरे दिमाग में था
कि इंडिया में अगर आपकी कुछ चीज़ छूट गई तो आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली मैंने ट्रेन में वो बैग छोड़ दिया था जिसमें पासपोर्ट थे, आईफोन थे, मैकबुक था, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो पासपोर्ट और वीज़ा था, उसके बाद काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें थी। उसके बाद वो ट्रेन भी मतलब वहीं तक आने वाली थी, वो चली गई और मुझे लगा अब कुछ नहीं मिलेगा। बट शॉकिंग 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 कि वो चीज़ मुझे मिल गई एंड लोगों ने काफ़ी हेल्प करी वहाँ की जो अथॉरिटी थी, टू थैंक्स टू देम। हम लोग जहाँ बाहर रहते हैं और हम बोलते हैं यार जर्मनी में तो चीज़ें घूमती भी नहीं है, इस तरीके के एक्सपीरियंस लेके जब हम वापस आते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है जब दूसरे लोगों से शेयर करते हैं कि नहीं यार अब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, वो बैग जहाँ था वो वहीं था और उसमें जो भी सारी चीज़ें थी सब कुछ हमें मिल गई थी। आई शुड थैंक देम, जिन लोगों ने जो मतलब ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा काम किया से रिलेटेड। तो इसी के साथ आई होप यू इन्जॉयड लिसनिंग मेरा ऑनेस्ट फीडबैक्स या रिव्यूज़ अबाउट दिस थिंग। पहले भी हमने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने ऑनेस्टली सारी चीज़ें जो है आपसे शेयर करी हैं एंड यू रियली इन्जॉयड इट। एंड एज आई टोल्ड यू, यू आर नॉट अलोन। अगर आप भी सिमिलर चीज़ें जो हैं वो रिवर्स कल्चरल शॉक लग रहे हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो मैंने मिस आउट कर दी वो कमेंट करना। एंड ऑफकोर्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं इसमें आने वाले हैं। प्लस एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक कल्चरल शॉक ज़रूर आप कमेंट करना, वेदर रिवर्स और नॉट रिवर्स वो ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका वेट करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़।